ओम सायराम। हम सबको पता है कि देश में अभी कोरोना नामक महामारी आ चुकी है, लेकिन देश लॉकडाउन है और हम सब घर में बैठे हैं। यहाँ तक लॉकडाउन है कि हमारे साईं बाबा का मंदिर की डेली पूजा अर्चना चल रही है, लेकिन वहाँ पर साई डेवोटी को आना मना है। ये इसलिए है क्योंकि इस महामारी को रोकना है। हम सबको पता है जब बाबा थे तब भी बाबा ने महामारी को रुकाया था, लेकिन आपको ये बात भी पता होगी कि हम लोग सही सच्चरित्र पढ़ते हैं, तो सही सच्चरित्र में जो 22वां अध्याय जो है, 22वां जो चैप्टर है, उसमें बाबा की एक कहानी है, मैं आपको सबको वो बताना चाहूँगा। उसमें ये बताया है, अमीर शक्कर नाम के एक साई डेवोटी थे और वो किसी बीमारी से बहुत परेशान थे। फिर परेशान होने के बाद उन्होंने बाबा के पास गए और बाबा को शरण आकर उन्होंने बाबा को बताया, हे बाबा, मैं इस बीमारी से परेशान हूँ, आप मुझे इस बीमारी से मुक्ति दीजिए। तब बाबा ने उस वक्त उनको चावड़ी में रुकने के लिए कहा था और चावड़ी के बाहर आपने आना नहीं है, ऐसा उन्होंने बाबा ने उनको बताया था। बहुत दिन तक वो चावड़ी में रुके, लगभग 6 महीने तक चावड़ी में रुके, चावड़ी से बाहर नहीं आए। लेकिन हम जैसे लॉकडाउन के कारण घर में रहकर कभी कभी बोर हो जाते हैं, उस वक्त भी बाबा ने बताने के बाद भी आमिर जी शक्कर वो चावड़ी से बाहर आए और कोपरगांव चले गए थे। तब जाके उनको वहां पर बाबा ने साक्षात्कार दिया था कि मैंने बताने के बाद भी आप बाहर आए, उसके कारण भी उनको जो साक्षात्कार मिला था वो भी आप पढ़ने लायक है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, मैं यहाँ पर ये नहीं बताऊंगा, आप 22वां अध्याय पढ़कर आपको सबसे अच्छा उसमें पता चल जाएगा। लेकिन कहने का मेरा मतलब ये है, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ सभी सही भक्तों को कि अभी हम लोग क्वारंटाइन में है, लेकिन उस वक्त भी बाबा ने महामारी को रोकने के लिए, किसी रोग से दूर जाने के लिए, किसी बीमारी से ठीक करने के लिए, तभी भी सही भक्तों को बाबा ने क्वारंटाइन किया था। तो मुझे ये संदेश इस माध्यम से आपको देना है कि बाबा ने भी उस वक्त कई बार भक्तों को वहाँ पर क्वारंटाइन किया है। हम लोग साई बाबा के विचारों पर चलने वाले लोग हैं, साई बाबा का जो संदेश हमको दिया है उसके चलने वाले लोग हैं। तो मैं आप सबको गुजारिश करूँगा कि बाबा ने उस वक्त भक्तों को जैसे क्वारंटाइन किया था, वही संदेश लेकर हम लोगों को कोरोना नामक इस विषाणु का प्रादुर्भाव रोकने के लिए हमको भी अपने घर में बैठना है और इस घर में बैठकर इस महामारी के जंग के खिलाफ लड़ना है, जीतना है। और जीतकर हमें यह भी महसूस होगा कि हमने साई बाबा के संदेश का पालन किया। साई बाबा जैसे क्वारंटाइन करते थे, आज हम लोग वैसे ही क्वारंटाइन है, बाबा का यही संदेश लेकर चलेंगे। और मुझे विश्वास है हमारे बाबा इस महामारी से हमें जरूर मुक्ति दिलाएंगे और जल्द से जल्द हमें दर्शन के लिए बुलाएंगे। ओम सायराम। धन्यवाद।